हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से डार्क ब्राउन टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। ओके गाइस, जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फोटो को लेता हूँ, एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है, ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर है हमारी फोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है, एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे पहले इस फोटो की हम लाइट एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे लाइट के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से एक्सपोजर की वैल्यू को कर देंगे हम -0.20, एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो इसे रखते हैं +8, एंड यहाँ से हाईलाइट्स की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -20, एंड यहाँ से वाइट्स की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को हम -10 रखते हैं, एंड यहाँ से ब्लैक की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, तो इसे रखते हैं -12, एंड नेक्स्ट जाते हैं कलर पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो गाइस, टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +14, एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, टिंट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +12, एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +14, एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे, तो उसके लिए हम सेकेंड वाले ऑरेंज कलर पर जाएंगे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे, तो इसे रखते हैं -20, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे, तो इसकी वैल्यू को हम +20 रखते हैं। एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू को कर देंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को भी माइनस की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। तो गाइस, इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करते हैं -62, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम -30 रखते हैं, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे -100। तो गाइस, देख सकते हैं जो हमारी फोटो है उसमें ज़्यादा ग्रीन टोन नहीं है, तो आपको अपनी फोटो में ग्रीन टोन होगी तो इसकी वैल्यू को मैं जितना रख रहा हूँ सेम उतना ही रखना है, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को भी हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम -72 रखते हैं, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से कर देते हैं -25, एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, जो हमारी फोटो है काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है, लेकिन इसे और हम बेटर बनाएंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो गाइस, क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +30, एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, डीएच की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +10, एंड यहाँ से वीनेट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे, ठीक है, तो इसे रखते हैं -40, एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो इसे रखते हैं +76, एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल पे, इस वाले आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ताकि जो हमारी फोटो है उसमें थोड़ा सा शाइनिंग है, ठीक है, तो इसे रखते हैं 21, एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे, तो इसकी वैल्यू को हम 12 रखते हैं। एंड नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन, एंड यहाँ से इसकी भी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी बैकग्राउंड कलर है वो भी परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। सो गाइस, हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी, एंड आफ्टर ऐसी। सो गाइस, आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी फोटो
काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर को ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।